देखिएगा थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है आपका। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर, मोल प्रभाज किसे कहते हैं? मोल प्रभाज किसे कहते हैं? तो आंसर में लिखिएगा गाइस, किसी विलयन में उपस्थित तो गाइस विलयन में क्या उपस्थित होती हैं? दो चीजें पता होगी सभी को, चलो अभी बाद में बहस करेंगे। किसी विलयन में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो गाइस आपका क्या रहा, मोल प्रभाज किसे कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे कि विलयन में दो चीजें उपस्थित होंगी, दो चीजें का मतलब है कोई विलयन बनाया, विलयन आपका जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, शरबत बनाना है, शरबत विलयन बनाएंगे, गर्मियों में बनाते हैं आप, पीते भी हैं, सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो उसमें जब आप बनाएंगे तो इसमें हमने दो चीजें ली, क्या क्या लेंगे जब शरबत बनेगा? जल लेंगे प्लस चीनी लेंगे, और इसमें जल क्या है और चीनी क्या है? तो आपके विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। कैसे पहचानेंगे कौन विलेय है कौन विलायक है? जैसे कोई आपने विलयन बनाया तो उस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो तो वो आपका विलेय होता है, और जिस पदार्थ की मात्रा आपकी ज्यादा हो तो वो आपका विलायक होता है। जैसे कि आपने शरबत बनाया तो शरबत में आप बताइएगा जल की मात्रा ज्यादा लेंगे कि चीनी की मात्रा ज्यादा लेंगे? जल की मात्रा ज्यादा लेंगे, चीनी की मात्रा कम लेंगे। तो ज्यादा मात्रा किसकी है? जल की। तो जल क्या हो गया आप विलायक, और चीनी की मात्रा क्या है आपके कम है, तो इसलिए चीनी क्या हो गई इसमें विलेय है। अगर आप चीनी की मात्रा ज्यादा कर दें और जल की मात्रा कम कर दें, मान लीजिए चीनी ले ली आपने 3 किलो और जल ले लिया आपने 1 लीटर, और आपसे कहा जाए कि आपके क्या फूफा जी आगे शरबत बना दो, तो शरबत बना के जब उनको जब पियेंगे तो वो याद रखेंगे कि किसी बेटे ने हमें शरबत पिलाया था, हैं? क्योंकि इतना मीठा हो जाएगा, या तो बन जाएगा या तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तो इसमें आपने विलायक की मात्रा ज्यादा नहीं ली, विलेय की मात्रा ज्यादा ले ली, विलायक की मात्रा कम ले ली। तो उसमें पहचानने का सीधा तरीका होता है कि जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो तो वो विलायक, जिस पदार्थ की मात्रा कम हो तो वो विलेय हो जाएगा। तो यही इसमें क्या है, यही डेफिनेशन है मोल प्रभाज की, कि कोई विलयन है उस विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो इसमें आपका फार्मूला क्या बनेगा लिख लीजिए गाइस, बोलते हैं माना कि क्या विलेय के मोलों की संख्या, इस्मालयन तथा विलायक के मोलों की संख्या
विलायक के मौलों की संख्या कैपिटल एन है, तब मोल प्रभाव निकालना है गाइस। किस तरीके से निकालेंगे? विलय का हमें मोल प्रभाव निकालना है, विलय का मोल प्रभाव, विलय का मोल प्रभाव। तो गाइस मैंने क्या बताया, विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, हम मोल प्रभाव कहते हैं। तो मैंने इसमें क्या कर रहे हैं, तो देखिएगा विलय के मोलों की संख्या गाइस क्या है, स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन बटे कर दिया। और उस विलयन में दो चीजें उपस्थित होती हैं, विलय और विलायक। तो विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन, विलायक के मोलों की संख्या है कैपिटल एन। तो कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, एन प्लस कैपिटल एन, एन प्लस कैपिटल एन, ये कुल मोलों की संख्या हो गई। तो वहां पर अगर मोलों, विलय के मोलों का मोल प्रभाव निकालना है तो विलय के जो मोल हैं उनको ऊपर रख दीजिएगा, और उसके पश्चात में विलय और विलायक के जो दोनों मोलों की संख्या है उनको नीचे प्लस करके उनमें से भाग कर दीजिएगा, तो आपके विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी। तो देखिएगा विलायक के मोलों की संख्या गाइस किस तरीके से होगी, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की, विलायक का मोल प्रभाव निकाल लें, विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो गाइस क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या क्या है, देखिएगा इसमें कैपिटल एन, तो कैपिटल एन को ऊपर रख दीजिएगा, और कुल मोलों की संख्या क्या रहेगी, आपकी वही रहेगी गाइस स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। तो ये आपके मोल प्रभाज को ज्ञात करने का सूत्र हुआ, जो आपके इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन में मैंने आने के पूरे पूरे चांस हैं, कौन कौन से मोलरता किसे कहते हैं, नॉर्मलता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, मोल प्रभाज किसे कहते हैं। और कोई भी प्रश्न अगर यहाँ से सांद्रता से पूछा जाएगा तो 99% आपका यहीं से उठा लिया जाएगा, और इसी से रिलेटेड अगर डेफिनेशन नहीं आई तो आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो गाइज आपका ये आपका रहा था थ्योरेटिकल पार्ट आपकी सांद्रता से, इसके पश्चात इन्हीं पर आधारित अगले पार्ट में हम आपको लेकर के आएंगे न्यूमेरिकली पार्ट, जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा लास्ट तक जरूर देखें, लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर कम हो जाएंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।